फायदा नहीं है जमना, कोई फायदा नहीं है। पानी में रहकर मगरमच्छ से लड़ सकती हो मगर पानी से नहीं। चारों तरफ पानी पानी है, नमकीन सांड की तरह काऊ पर चला रहा है। सारा देश जानता है कि मैं शरीफ आदमी हूँ। प्लीज, मेरे पास टिकट नहीं है। क्या टिकट नहीं है? दो बच्चों के साथ बगैर टिकट सफर कर रहे हैं आप? सामान कहाँ है आपका? सामान नहीं है। इसने जरूर अपने मियाँ से झगड़ा किया होगा और गुस्से में ये घर छोड़कर चली आई है। ये तुमने अच्छा नहीं किया बेटी। पति से झगड़ा करके बच्चों के साथ घर छोड़ देना तुम जैसी पढ़ी लिखी लड़की को शोभा नहीं देता। जमाना अच्छा नहीं है बेटी। इन दो प्यारे प्यारे मोतियों को लेकर कहाँ जाओगी? इस पत्थर की दुनिया में पिस जाएंगे ये। कहाँ जाना है आपको? क्या नाम है तुम्हारे पति का? पति का नाम अपनी जुबान से कैसे लेगी? इस बच्चे से पूछो ना, क्या नाम है बेटे तुम्हारा? राजू। और तुम्हारे पिता का? जगदीश शर्मा। घर कहाँ है तुम्हारा? बांद्रा बॉम्बे। आप यहाँ उतर जाइए, थोड़ी देर में वापसी के लिए आपको यहाँ से गाड़ी मिल जाएगी। सीधी घर जाना। औरत के लिए पति परमेश्वर होता है और घर संसार ही उसका सब कुछ होता है। आपका टिकट? हम लोग कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहे हैं। पापा हमें मारेंगे, हम घर नहीं जाएंगे। मैं तुम लोगों के साथ चलूंगी। तुम्हारे पापा से कहूंगी कि वो तुम्हें नहीं मारे। शुक्र करो कि तुम्हारे दोनों बच्चे एक ही शक्ल के हैं, वरना तुमको दो फोटो बनानी पड़ती और दोनों की 100-100 कॉपियां। क्यों? इसे तुम ले जाओ। तुम्हारे दोनों बच्चों की शक्ल इस पुलिस स्टेशन के हर कांस्टेबल को उनके अपने बच्चों से ज्यादा याद है। हफ्ते में 7 मरतबा भाग जाते हैं और शाम को लौट आते हैं। बार बार कंप्लेन लिखवा कर क्यों सरकारी कागज का नुकसान करते हो? मगर इस बार तो रात भर नहीं आया इंस्पेक्टर साहब।
तो क्या हुआ, कल रात तक आ जाएंगे। मगर आप कंप्लेंट तो लिख लीजिए, बाकी अधिकारियों से कह दीजिए तलाश करें। अच्छा बाबा, लिख लेता हूँ, मगर हमेशा की तरह जैसे लौट आए खबर कर देना। ये रहा हमारा घर। ये हमारे पापा। आ गए तुम उल्लू के पट्ठो। नमस्ते। अच्छा तो आप इस दफा लेकर आई हैं इन्हें? जी। कहाँ मिले ये बदमाश आपको? दिल्ली जाने वाली रेल के डिब्बे में। जी अब क्या करूं मैं इनका, आप इनसे पूछिए, दिल्ली जाने वाली ट्रेन में बैठ के ये कहां जा रहे थे? दूर, बहुत दूर जा रहे थे, क्योंकि क्योंकि मैंने बहुत मारता हूं, यही बताया ना इन्होंने आपको। अरे देवी जी, जितनी शरारतें ये करते हैं उसके मुकाबले में जरा भी मार नहीं पड़ती। अब आप ही बताइए, मैं सारा दिन नौकरी करूं या इन्हें ढूंढता फिरूं? जब देखो घर से गायब, जब देखो घर से गायब। मैंने राजू और देबू को वचन दिया है कि आइंदा आप इन पर हाथ नहीं उठाएंगे। जी आपने इन्हें वचन दिया है? माफ कीजिए देवी जी, मैं आपके इस वचन को निभाने का वचन नहीं दे सकता। इतने प्यारे बच्चों पर कैसे हाथ उठाते हैं आप? ओ बड़ा मोह हो गया इनसे, तो आप इन्हें साथ ले जाइए, आप इन्हें घर ले। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, चलिए आपको घर छोड़ा हूं। इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। बैठे बैठे मेरा मुंह क्या देख रहा है, रोटी खाना। पापा वो भी भूखी है, उसे बुला ना, उसने कुछ नहीं खाया। किसको? आंटी को। हैं? आंटी को। तुम फिकर मत करो बहन, सारा देश जानता है कि मैं शरीफ आदमी हूँ। हाँ, बिल्कुल सच। और अगर तुम इसकी माँ हो तो मैं इसका मामा हूँ। बिल्कुल, जो भी करूँगा अच्छा ही करूँगा। ऐसे घराने में जाएगी हमारी बिटिया रानी के राज करेगी, सोने के झूले में झूलेगी, डोली में जाए न जाए निकलेगी अर्थी में। हाँ तो बिल्कुल सच है। घबरा मत बेटी जमुना, जा मामा के साथ चली जा, मैं जल्दी आ जाऊंगी। सौतेली हुई तो क्या हुआ बेटी, आखिर हूं तो मैं तेरी माँ ही। मामा सगाई करवा के मुझे खबर कर देगा, बस मैं फेरे के समय तक पहुंच जाऊंगी। मुकुट भैया मेरी जमुना को संभाल कर ले जाना, और सुनो तारीख पक्की करके मुझे तार दे देना, मैं पहुंच जाऊंगी। चलो भांजे, रेल का टाइम हो गया। उठो बेटे उठो, क्यों मेरे बच्चे, जाओ। सारा देश जानता है कि मैं शरीफ आदमी हूँ। तेलन भाई, मेरी शराफत और तुम्हारी नजाकत क्या रंग लाई है। देखो ये है गंगापुर की जमुना और ये है तेलन भाई, शरीफ आदमी की शराफत। अरे जमुना पाँव छुओ, पाँव छुओ। आओ बैठो जमुना। बेटी जमुना, बुआ जी सगाई से लेकर के दाई तक का सब काम करती है। तेलन भाई तिल मैं ले आया हूँ, तेल तुम निकाल लेना। अरे तेलन भाई, चिलमन में कोई हरकत नहीं हो रही है। मैं नहीं नाचूंगी। तू क्या, तेरी अम्मा नाचेगी छिनाल? 7,000 रुपए तेरी सौतेली अम्मा को गिन कर दिए हैं और 5,000 रुपए तेरे बनाव सिंगार और तालीम में खर्च हो चुके हैं। मैंने कह दिया ना मैं नहीं नाचूंगी, नहीं नाचूंगी, नहीं नाचूंगी। ज़बान चलाती है हरामज़ादी, तू नाचेगी कैसे नहीं,
मैं तुझे चौराहे पर नीलाम करा दूंगी। चलो
वाह 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 वाह, अंदाज छूता तेवर तीखे, लोच और लचक का तो कहना ही क्या है। कमर जब बल खाती है तो लोग झूम जाते हैं। आज से ये तेलन बाई का कोठा नहीं जमुना धाम कहलाएगा। वाह वाह वाह, आज से जमुना बाई को लोग देखने आएंगे, सुनने आएंगे, खरीदने आएंगे। मैं बिकाऊ नहीं हूँ, भूख के जागने पर भूखा दीवाना हो जाता है, मचल उठता है। उसकी दीवानगी का फायदा उठाना हमारे धंधे का धर्म है। ये धंधा मेरा धर्म नहीं, मजबूरी है। सारा देश जानता है कि मैं शरीफ आदमी हूँ, मगर मजबूरी को मंजूरी में बदलना भी जानते हैं हम लोग। आज की रात 1000 कीमत है, कल रात और बढ़ेगी। मुकुर बिहारी, मैं अंदर आऊं? अरे आओ अंदर था। किधर है? ये तैयार है। चलेगी? ये कभी नहीं हो सकता, मैं जा रही हूँ। देखती हूँ कैसे जाती है यहाँ से। तेलन बाई के कोठे में से जाना इतना आसान काम नहीं है। तेलन बाई, कफन जिसने सर पे बांध लिया हो उसे दुनिया की कोई ताकत नंगा नहीं कर सकती। तू नहीं बच सकती, तू कोठे की है। मैं तुझे ढूंढ कर लाऊंगा, तुझे वापस कोठे पर आना होगा। देखो देबू, तुम दोनों भाई हाथ मुंह धोकर ये दूध पी लेना है और फिर खाना खा लेना, अंदर रखा है, कहीं जाना नहीं, कोई शरारत नहीं करना। मैं जल्दी आ जाऊंगा, समझा? दूध पी लेना देबू, चल चल कर आंटी को ढूंढते हैं। तूने सुना नहीं पापा क्या कह रहे हैं? अरे तू डरता क्यों है, पापा के आने से पहले लौट आएंगे। चल छोड़कर कभी मत जाना, हमारे साथ ही रहना। हूँ अच्छा। नमस्ते बहन जी। नमस्ते, मुझे जगदीश शर्मा कहते हैं। बैठिए, कहिए हमारी संस्था आपकी क्या सेवा कर सकती है? जी मैं दो जोड़ों बच्चों का बाप हूँ, आप इन्हें अपने आश्रम में भर्ती कर लीजिए। देखिए यहाँ किसी को भर्ती नहीं किया जाता, सिर्फ वही बच्चे रह सकते हैं जिनका कोई ना हो। मेरे बच्चों का भी कोई नहीं है। क्यों, आपके बच्चे क्या आपके अपने नहीं है? वो तो मेरे ही है, मगर मैं ही उनका नहीं हूँ। बात समझ में नहीं आई जगदीश जी, जरा ठीक से बताइए किस्सा क्या है? किस्सा तो खत्म होने वाला है बहन जी, आपका बड़ा उपकार होगा, आप मेरे बच्चों को यहाँ ले आइए। तस्वीर के पीछे पता लिखा हुआ है, मेरे पास बैंक बैलेंस भी है, कुछ इंश्योरेंस के पैसे, कुछ प्रोविडेंट फंड, मैं सब कुछ आपके आश्रम को दे दूंगा। हम कैसे रखें उनको, आपके बच्चे अनाथ नहीं हैं? हैं तो नहीं, मगर होने वाले हैं। मैं थोड़े दिनों में मरने वाला हूँ, मुझे कैंसर है। आप उन्हें यहाँ ले आइए, मुझे तो ममता ने इतना कमजोर बना दिया है कि मैं उन्हें यहाँ ला सकता हूँ मगर छोड़ के जा नहीं सकता। मेरे पास रहेंगे तो उन्हें अपने बाप को मरता हुआ देखना पड़ेगा, फिर आप ही बताइए मौत का भयानक रूप देखने के बाद उनकी नन्नी नन्नी मासूम आंखें क्या क्या जिंदगी में किसी खूबसूरत चीज को देख पाएंगी?
उनकी आशा, उनकी मुस्कान, उनकी चाहत, सब कुछ मर जाएगा मेरे साथ। मुझे तो मरना ही है, मगर उनकी उम्र तभी जिंदा रहने की है। मेरे बच्चों को बचा लीजिए बहन जी, भगवान के लिए बचा लीजिए उन्हें। लाइए तस्वीर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहन जी, मेरे बच्चे जरा शरारती हैं। आप शरारत करने पे बच्चों को मारती तो नहीं ना? नहीं। और दो वक्त खाना ठीक मिलता है ना? हाँ मिलता है। तब तो ठीक है। एक सयाद ने एक चिड़िया को पिंजरे में बंद कर दिया, मगर फिर भी डर था कि चिड़िया कहीं उड़ न जाए, इसलिए उसने उसके पंख काट दिए। बेचारी चिड़िया, मुझे मिल जाए तो मैं सयाद को जान से मार डालूंगा। फिर क्या हुआ? फिर वो चिड़िया बिन पंखों के ही उड़ गई। कैसे? आत्मबल से। वो क्या होता है? वो होता है आत्मा का बल, आत्मा की शक्ति, एक ऐसी शक्ति जिससे अंधे देखने लगते हैं और लंगड़े चलने लगते हैं। वो चिड़िया का क्या हुआ? कहाँ गई वो? वो चिड़िया उड़ते उड़ते छोटे छोटे दो परिंदों के घर में घुस गई। फिर क्या हुआ? फिर सुनाऊंगी। चलो उठो, तुम दोनों को नहलाती हूँ। चलो। ले आई आप मेरे बच्चों को? अच्छा नाटक किया आपने हमारे साथ। आपकी बातों पर विश्वास करके आपके घर गए, वहां जाकर देखा बच्चों की माँ मौजूद है। जी माँ? जी हाँ माँ। माँ और बेटों को देखकर ऐसा लगा जैसे आपका परिवार बड़ा सुखी परिवार है, दो सुंदर बच्चे, एक खूबसूरत पत्नी। मगर बहन जी वो मेरी पत्नी नहीं है और ना ही मेरे बच्चों की माँ है। न जाने कहाँ से आ गई है वो। मैं भी जाकर उसे निकाल देता हूँ और बच्चों को खुद लेकर आता हूँ। जो बेकार में अपने आप का तमाशा बना रही हूँ जमुना, सीधी तरह नहीं जाओगे तो मैं जबरदस्ती पुलिस के जरिए ले जाऊंगा। पुलिस के फौज भी ले आओगे तो भी मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। अरे कैसे नहीं जाएगी तू? तुम इसके साथ मत जाना, ये तो सयाद है। मैं बड़ा होकर इसे जान से मार डालूंगा। अच्छा डंकी चुप। कौन लगती हो तुम इन बच्चों की? क्या रिश्ता है तुम्हारा इस घर से? क्यों भाइयों, आज से पहले कभी किसी ने इस महिला को इस मोहल्ले में देखा? नहीं भाई, हमने तो नहीं देखा। नहीं नहीं, हमने भी नहीं देखा। सुन लिया जमुना? और जहाँ का मैं रहने वाला हूँ वहाँ बहुत से लोगों ने बहुत बार इसे बहुत अच्छी तरह से देखा है। तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। करना कुछ नहीं पड़ेगा, सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं तुम्हें जबरदस्ती ले जाऊंगा। क्या हो रहा है मेरे घर के सामने? कौन हो तुम? क्या तमाशा है? पहले तो इन श्रीमान से पूछना चाहिए कि इस महिला से इनका क्या संबंध है। क्यों भाइयों, पूछना चाहिए या नहीं? ये मेरी पत्नी है। बाबूजी ये तो खारे पानी की मछली है। क्यों? तुम अपने आप यहाँ से दफा हो जाओगे तो मैं तुम्हें भेजूं। जाता हूँ, सारा देश जानता है कि मैं शरीफ आदमी। अरे मोहल्ले से बाहर निकलो शरीफ की औलाद, दबा हो जाओ, निकल जाओ यहाँ से। गाला मुकरो हमने यहाँ से। है मुझसे भी बड़ा धंधे वाला है। आप जरा अंदर आइए। आप कौन हैं? कहां से आई हैं मैं नहीं जानता। आपका उस आदमी से क्या ताल्लुक है मैं ये भी नहीं जानता, मगर जिस बात को वो सच मानकर चला गया है आप उसे सच मत मान लीजिएगा। मेरा आपके साथ ना कोई ताल्लुक था, ना है, ना हो सकता है। राजू बेटा एक गिलास पानी लाओ जल्दी। मैं ले आती हूं। कहाँ
कहती हैं आप? अगर आपको उससे ज्यादा डर लगता है तो मैं खुद आपको जाकर छोड़ आऊंगा। मैं चली जाऊंगी। माँ और बेटों को देखकर ऐसा लगा जैसे आपका परिवार बड़ा सुखी परिवार है, दो सुंदर बच्चे, एक खूबसूरत पत्नी। उठ यहाँ से, यहाँ क्यों सोया है? ये सोने की जगह है क्या? मैं कहाँ जाऊँ, मेरा कोई घर नहीं है। जा अपने बाप से पूछ जिसने तुझे पैदा किया है। जाता कि नहीं यहाँ से, चले जा। मेरा कोई नहीं है, मेरा घर नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ? बच्चों ने जाने नहीं दिया, बस जिद कर रहे थे। सोचा सो जाएंगे तो चली जाऊंगी, मगर सोते सोते बहुत रात हो गई थी। नाश्ता बना दिया है, जागने से पहले चली जाती हूँ। इस तरह चोरी से जाने की क्या जरूरत है? बच्चे हैं, जिद तो करेंगे ही। जागने पर समझा बुझा के चली जाना, मेरी तो सुनते ही नहीं। मैं ठीक से समझा भी नहीं सकता। पापा हमारे लिए नए कपड़े लाएंगे। अच्छा? हाँ, आज पापा को पैसे मिलेंगे। ओ, तब तक क्या तुम नंगे खड़े रहोगे? हाँ। नहीं नहीं, सर्दी लग जाएगी। चलो बाहर जाओ और कपड़े पहनो। पापा आ गए, पापा आ गए। अरे देवू बेटा, ये देख, तेरे लिए और राजू के लिए कपड़े हैं। पापा और क्या लाए? राजू बेटा, ये उसको दे दो। आंटी को ना? इसकी क्या जरूरत थी? तुम्हारे पास दूसरी साड़ी नहीं थी ना, इसलिए। पापा। अरे वाह बेटा देवू, तू तो बड़ा सुंदर लग रहा है। अरे राजू, तुम तो दोनों बड़े अच्छे लग रहे हो बेटा। हेलो जगदीश। आओ राजन। यह है मेरी बीवी। नमस्ते भाभी जी। और यह है मेरा मुन्ना। हेलो बेटे। राजन, ये मेरे बच्चे हैं देवू और राजू। और ये इनकी माँ है। नमस्ते, मैं आप लोगों के लिए चाय ले आती हूँ। चलिए मैं आपकी मदद करती हूँ। बहन, मेरी तो एक को ही जन्म देने में जान निकल गई थी, आपने दो को एक साथ जन्म कैसे दिया? माँ बनते वक्त इतनी खुश थी,
इतनी खुश थी कि कुछ याद ही नहीं रहा। सजी नहीं बारात तो क्या, आई न मिलन की रात तो क्या, ब्याह किया तेरी यादों से, गठबंधन तेरे वादों से, बिन तेरे हम तेरे, बिन तेरे हम तेरे, ओ बिन तेरे हम तेरे, बिन तेरे हम तेरे। वो एहसान किया जा देकर जिसको चुकाना मुश्किल, देह बनी ना दुल्हन तो क्या, पहने नहीं कंगन तो क्या, बिन तेरे हम तेरे, बिन तेरे हम तेरे, ओ बिन तेरे हम तेरे, बिन तेरे हम तेरे। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या बात है जगदीश शर्मा, बहुत खुश नजर आ रहे हो। खास बात नहीं सर, बस यूं ही। गुड गुड, कैसे हो आप? गुड। दवाई किस बीमारी के लिए है? कैंसर। सभी कुछ खत्म हो रहा है जमुना, समय, सांसें, इरादे, तुम शायद नहीं जानती, मुझे कैंसर है। मैं जानती हूँ जमुना, मन की बात कहूँ? कहिए। तुमसे मिलने के बाद जीने को बहुत जी चाहा मेरा, मगर फिर यही सोचा किसी मांग को भरकर उजाड़ देने से तो यही अच्छा है कि उसे सूनी छोड़ दिया जाए। ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए। सुहाग क्या होता है ये मैं नहीं जानती, लेकिन अगर आपको कुछ हो गया तो मैं विधवा हो जाऊंगी। कैसे कैसे खेल खेलता है जमुना, ये
जन्म मरण सभी उसी के तो खेल हैं। अभी आंखें खुलने में नहीं पाई थी कि मां को बच्चों से छीन लिया। जबान का तोतलापन अभी गया नहीं कि बाप जा रहा है। तुमसे पूरी तरह पहचान भी नहीं हुई कि साथ छूट रहा है। जब ना तुम्हें कोई सुख तो दे नहीं सका। हाँ, अपनी जिम्मेदारियां छोड़कर जा रहा हूं। सुना है शरीर छोड़ने के बाद आत्मा का मिलन परमात्मा से होता है। मैं उस परमपिता से प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हारी रक्षा करे। मैं आपको वचन देती हूँ, मैं जब तक जीऊंगी आपके बच्चों की माँ बनकर जीऊंगी। जमुना, इन अभागों को पालने से ज्यादा संभालने की जरूरत पड़ेगी। देखो, कभी कभी मजबूर हो जाओ ना, बेबस हो जाओ तो इनको अपने हाथों से जहर दे देना। तन के रिश्ते टूट भी जाए, टूटे न बनते बंधन। जिसने दिया हमको अपनापन, उसी का है ये जीवन। बांध लिया मन का बंधन, जीवन है पापा मर गए हैं ना? हमारी तो माँ भी मर गई है। नहीं बेटे, तुम्हारी माँ नहीं मरी, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ। जगदीश ने आपको अपना नॉमिनी बनाया है। यह है प्रोविडेंट फंड और इंश्योरेंस के 3,500 रुपये, ये लीजिए। रिश्ता शायद कुछ ठीक नहीं हो पाया था आप दोनों के बीच। रिश्ता तो ठीक था बाबूजी, रिश्ते का नाम ठीक नहीं हो पाया था। तुम अंदर कैसे आए? 2 नंबर की खिड़की तोड़कर आया हूँ। सारा देश जानता है कि मैं शरीफ आदमी हूँ, और तुम्हारा है ही कौन मेरे सिवाय? आज मेरा सब कुछ है, मेरा घर, मेरे 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 बच्चे हैं। घर रेत का है जमुना, बच्चे दूसरे के हैं, तुम्हारा तो सिर्फ मैं ही हूँ। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे संसार से चले जाओ। मैं माँ हूँ, माँ, 2 बच्चों की माँ। क्यों बेकार ममता का नाटक कर रही हो? कपड़े बदलकर कोठे की कबूतरी महासती नहीं बन सकती। जिद करके मेरा धंधा और जवानी का चद्दा क्यों बर्बाद कर रही हो? चलो मेरे साथ। मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मेरे साथ नहीं जाओगी तो किसके साथ जाओगी? कहाँ जाओगी? अब ये घर, ये संसार ही मेरा सब कुछ है। बेवकूफ मत बनो जमुना, जिन बच्चों को तुमने जन्म नहीं दिया वो तुम्हारे कैसे हो सकते हैं? जिससे तुम्हारी शादी नहीं हुई उसकी विधवा बनकर तुम दुनिया को धोखा दे सकती हो, मुझे नहीं। आज मैं तुम्हें साथ लेकर ही जाऊंगा। मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ, मैंने अपने बीते हुए कल को उनकी चिता के साथ जला दिया है।
अब मैं सिर्फ उनकी विधवा और उनके बच्चों की माँ के रूप में जी सकती हूँ। मेरा दूसरा कोई रूप नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। चलो विधवा ही बनी रहना, कपड़ों का ही हेर फेर है ना, मगर माँ नहीं बनने दूंगा। मैंने तुम्हारे दोनों बच्चों को स्कूल से उठवा दिया है। रुपए सारा देश जानता कि मैं शरीफ आदमी हूँ। नीबुआ तोड़ लाई रे आज। शरण अभी मुकुट बिहारी है ना? हाँ, क्या हुआ हुजूर? सारा देश जानता है कि मैं शरीफ आदमी हूँ। अरे चल चल थाने चल, अभी पता चलेगा लड़कियों का धंधा करता है। लगता आप लोगों के बुरे दिन आ गए हैं। ऐसी बड़ी बड़ी कुर्सियों तक पहचाने में भी। अरे माँ, माँ भूख लगी है, खाना दो ना माँ। अरे गुड़ाखू मेरे सूरत क्या देख रहे, काम करो बोले तो। अरे उधर काम करो रे, चल चल काम करो, उधर काम करो। हाँ हाँ, अरे जोर से मारो, मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। अयो तेज बुखार है। मैंने कितनी मर्तबा मना किया था, धूप में मत खेला करो। मैंने दवाई लिख दी है, किसी भी केमिस्ट की दुकान से इसे खरीद लीजिए और उसको सुबह शाम दो टाइम खाने के बाद दे दीजिए, ठीक हो जाएगा। ये कितने रुपए की होंगी? यही कुछ 15 रुपए। इसे बहुत तेज बुखार है। राजू तू यहां बैठ, मैं भी आती हूं। देखो जमना, मैं नशे के अंदर है, मैं जबरदस्ती कुछ नहीं करूंगा, समझे क्या? नहीं, तुम्हारे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है तो, और तुमको 15 रुपए चाहिए, और मेरी नीयत ठीक नहीं है। अरे 15 क्या, मैं तुमको 20 रुपए देंगे, सब कुछ देंगे, लेकिन मेरे को तुम्हारा ये देखता हुआ बदल चाहिए, समझे क्या? नहीं, हाँ, नहीं, नहीं। कितने रुपए हुए जी? 15 रुपए 50 पैसे हुए। अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, भाग रही है, जोर 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 जोर, इंस्पेक्टर साहब दौड़ो, देखो भाग रही है। राजू ये तक सो रहा है? हाँ माँ, इसका बदन बहुत गर्म है, इसे बुखार है बेटा। ये ले, ये दवाई है, जब जाग जाए तो खाने के बाद इसे ये दवाई दे देना। हाँ, खाना कहाँ है माँ? खाना, खाना पड़ोस में से किसी से मांग लेना, दूर
मत जाना। तुम कहाँ जा रहे हो माँ? मैं काम से जा रही हूँ बेटा, शायद आने में कुछ दिन लग जाए। जब तक मैं वापस ना आऊं यहीं रहना, कहीं दूर मत जाना। देवू बीमार है, उसे संभालना बेटा। हमको भी साथ ले चलो ना माँ, डर लगता है। नहीं बेटा, मैं बहुत जल्द आ जाऊंगी। चलिए। माफ कीजिएगा, मैं आपके लिए नहीं आया था, किसी और के लिए आया था। वो दवाई कितने की थी? जी 15 रुपए 50 पैसे होते थे, देखिए 3 रुपए 50 पैसे देकर भाग गई है। कोई बात नहीं, ये लीजिए। भूख लगी है माँ, भूख लगी है, खाना दो ना माँ। माँ भूख लगी है, माँ भूख लगी है। माँ पड़ोस के घर से खाना मांग के लाया हूँ, तुम भी खाओ ना। प्रभु, गंगा के लिए तुम्हारी चटाएं थी, संभाल लिया तुमने। मेरा आज बहुत कमजोर है, ये चांद और सूरज नहीं संभाल सकूंगी मैं, नहीं संभाल सकूंगी मैं। छोड़कर कहाँ जा रहे हो? अब हम धूप में कभी नहीं खेलेंगे। माँ, हमें छोड़कर मत जाओ। मैं तुम लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। जवान बेटों की मां को सिर्फ खाना बनाते वक्त पसीना आना चाहिए और कभी नहीं। इस पसीने की कमाई है तुम दोनों की जवानी। अब और कुछ तो कमाना नहीं है तुम्हें, जो कुछ कमा लिया है उसी की कमाई को संभालना है। अब तुम इस जगह को और इस काम को आखिरी प्रणाम करो और चलो। देबू भी आया है। देबू, हाँ कॉलेज का टाइम हो गया, आते ही होगा, चलो। क्या करूं सजनी आये न बालम। हेलो देबू। इतना इंतजार मत कराया करो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं संत तुलसीदास की तरह तुम्हें छोड़कर राम के पीछे लग जाऊं। अच्छा, जब मैं इंतजार करती हूं और जनाब 3-3 घंटे लेट आते हैं, तब मैं किसके पीछे लगूं? बॉबी का गाना नहीं सुना तुमने? नहीं। प्यार में सौदा नहीं, प्यार में हिसाब किताब नहीं, प्यार में लेना देना नहीं। और क्या क्या नहीं होता प्यार में? और प्यार में ऊंचा नाटा नहीं, प्यार में पतला मोटा नहीं, प्यार में काला गोरा नहीं, प्यार में जात पात नहीं, प्यार में ऊंच नीच नहीं, क्योंकि प्यार में सौदा नहीं। क्यों? अच्छा ये तो बताओ प्यार में होता क्या है? वो भी बताता हूँ, प्यार में सिर्फ प्यार होता है और कुछ नहीं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। तुम बेकार परेशान हो रही हो माँ, ये तो बिल्कुल सीधा साधा हिसाब किताब है। देखो 70 रुपए मकान का भाड़ा,
230 रुपए रसोई का खर्च राशन मिलाकर, 27 रुपए 90 पैसे बिजली का बिल, 200 रुपए देवू के कॉलेज का खर्च, बाकी जो बचेगा उसमें कपड़े वपड़े, तुम्हारी पूजा और देवू का जेब खर्च। और तेरे लिए क्या बचेगा? देवू को इतना जेब खर्च देने की क्या जरूरत है? सारा वक्त तो उछल कूद करता रहता है। अरे माँ, शरारती है तो क्या हुआ, कॉलेज में पढ़ता है और फिर पढ़ाई में भी तो उतना ही तेज है। ठीक है ठीक है, सब यश वाले काम तुम दोनों माँ बेटे करो देकर, और मुझे ना कमाने का मौका दो ना देने का। अरे बिगड़ता क्यों है, जब तू कमाने लगेगा ना तो हम दोनों घर बैठ जाएंगे, तब अपनी कमाई हमें देकर जितना चाहे यश कमा लेना। यही बात मैं आज तुम दोनों से कहना चाहता हूं, मैं आज से पढ़ाई छोड़कर काम करूंगा। देखो, तेरी पढ़ाई मां का सपना है, मेरी मेहनत है, पढ़कर तू हम पर एहसान कर रहा है, पढ़ाकर हम तुझ पर नहीं। जिन दो आंखों से इंसान देखता है उनमें से कोई एक आंख दूसरी पर एहसान कर ही नहीं सकती है, एहसान दोनों मिलकर करती है देखने वाले पर। बेटे, जिस दुनिया से मैंने तुम्हें अलग किया था वो तुम्हारी माँ की काया की दुनिया थी, जिस दुनिया में तुम पली बड़ी हो, जवान हो गई हो, वो प्यार और मोहब्बत की दुनिया है, जिस इंसान के जिक्र से तुम्हारे चेहरे पर हया की सुर्खी आ जाती है, क्या तुमने उसे अपने बारे में सब कुछ बताया है या नहीं? अभी तो कुछ नहीं बताया माँ, लेकिन वक्त आने पे सब बता दूंगी। और फिर बताने के लिए है भी क्या, यही ना कि तुम मेरी माँ हो। पिताजी के बारे में तो मैं कुछ जानती नहीं, कौन है, क्या है, कहाँ है, मुझे पिताजी के बारे में बताओ ना माँ। आप घबराइए नहीं जगमोहन बाबू, मैंने आपके नाजायज बच्चे को जन्म जरूर दिया है, लेकिन मैं कोई नाजायज बात नहीं करना चाहती। मगर मैं तुम्हारे बच्चे को अपना नाम नहीं दे सकता तेलन। मैं जानती हूँ, लेकिन उसे मेरे नाम से तो दूर रख सकते हैं। क्या मतलब? तुम्हारे नाम के साथ इज्जत है, मेरे नाम के साथ सिर्फ कीचड़। हम दोनों मिलकर उसे इज्जत और कीचड़ से दूर रख के पालने की कोशिश करें तो बहुत अच्छा होगा। नाम के सिवा मैं सब कुछ बता सकती हूं, वो बहुत धन दौलत जायदाद के मालिक हैं, अच्छे हैं, बहुत बड़े खानदान के हैं, शरीफ हैं। क्या बताऊं सेठ जी, आत्माराम की मौत ने एक मामूली से एक्सीडेंट को इमोशनल ज्वालामुखी का रूप दे दिया है। फैक्ट्री में हर मजदूर ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे उसी का बाप मर गया। मेरा ख्याल है सेठ जी, अगर सारी नहीं तो कुछ मांगे हमें कबूल करनी ही पड़ेंगी। गणेश, लड़ाई में कमजोरी मुझे पसंद नहीं। हाँ, ये कोई बात हुई ना भला, कुत्ते को दुम हिलानी ही पड़ती है, कुत्ता भौंकेगा तो हड्डी नहीं मिलेगी। जनक जी, मजदूर भौंकते नहीं काटते हैं, वो हड्डी नहीं मांगते, अपना हक मांगते हैं। मांगना तुम्हारा हक है, लेकिन जो कुछ तुम मांग रहे हो वो हक नहीं, ज्यादती है, एक्सप्लॉयटेशन। नहीं सेठ जी, आपकी फैक्ट्री में मशीन की खराबी की वजह से एक इंसान मर गया, हम आपका कुछ बिगाड़ना नहीं चाहते, लेकिन मरने वाले की बीवी बच्चों के लिए कुछ बनाना जरूर चाहते हैं। मरने वाला मशीन की खराबी की वजह से नहीं बल्कि अपनी गलती से मरा है, 45 बरस का होगा, हाथी तो था नहीं जो 100 बरस जिंदा रहता, समझो 5 बरस और जिंदा रहता तो 5 बरस की तनख्वाह जितनी बनती है वो ले लो और कल से काम शुरू कर दो, कर दो। सेठ जी, आपका ये चूहा जो बक रहा है यही आपका जवाब है क्या? मेरा ख्याल ऐसा है कि मैं तुम्हें इससे ज्यादा ऑफर नहीं कर सकता। अब तक तो हम आत्माराम की बीवी बच्चों के लिए सिर्फ तालोटी मांग रहे थे, मगर अब मजदूरी भी जरा महंगी हो जाएगी आपके लिए। मैं तो कहता हूं सेठ के बंगले को आग लगा देनी चाहिए। हाँ हाँ, सबको जला के राख कर देना चाहिए। नहीं, ये ठीक नहीं है, कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, हमारा हथियार है हड़ताल। जो पूंजीपति मजदूरों की जान को जान नहीं समझता, उस पे आप लोगों के नारों का कोई असर नहीं होगा, उसका घर जलेगा तभी वो पिघलेगा। मैं नहीं चाहता कि हम ऐसा कोई भी कदम उठाएं
जिससे कानून सेठ जी के हक में हो जाए। कल से हमारी हड़ताल शुरू होगी, हम अपने हक के लिए आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। आप इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हैं? आपके पिताजी ने वर्कर्स की मांगों को मांगने से इनकार कर दिया था, इसलिए उछड़ गए हैं। उन्होंने तय किया था कि सेठ जी के बंगले को आग लगा दी जाए। बड़ी मुश्किल से मैंने उन्हें मना तो लिया, लेकिन मुझे डर है कि कहीं वो यहाँ आकर जोश में कुछ कर ना बैठे, इसलिए आप यहाँ पहरा दे रहे हैं। जिस सांप का जहर नहीं निकाल सकते उसे कुचल देने में ही अकलमंदी है। मैंने बचपन से लेकर अभी तक 800 सांप मारे हैं। आप एरिया बताइए, अभी 10 मिनट में एक लाश लेकर आता हूँ। मेंढक की तरह कूदा मत कर, नेवले की तरह घुमा कर। किसकी बात कर रहे हो? किंग कोबरा राजू। मेरे बड़े भाई साहब, आप चिंता मत कीजिए, मैं और मेरा बेटा दोनों मिलकर आपके रास्ते का ये कांटा उठाकर अपने घर के सामने डाल देंगे। पोपट की तरह पट पट मत किया कर, गिद्ध की तरह देखा कर। समझ गया? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि कांटा उठाने के चक्कर में तुम लोग रास्ता ही खराब कर दो? आप कैसी बातें कर रहे हैं मेरे बड़े भाई साहब। आप एक काम कीजिए, कल शाम को सब मजदूरों को यहाँ चाय पे बुलाइए और उस सांप को भी, किंग कोबरा, और फिर देखिए इस बदारी का तमाशा। उससे क्या होगा? इससे ये होगा कि सब मजदूर पालतू कुत्तों की तरह यहाँ आएंगे और चाय पियेंगे, और वो चाय मेरा बाप बनाएगा और मैं बनाऊंगा। इसीलिए तो किसी किस्म के शक की गुंजाइश नहीं रहेगी, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। अब कैसा महसूस कर रही हो बेटी? डॉक्टर को बुलाओ। नहीं डैडी, मैं ठीक हूँ, थोड़ी देर में बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। अच्छा, मैं चलता हूँ, अगर डॉक्टर की जरूरत पड़े तो मुझे ऑफिस में फोन कर लेना। राजू साहब, आपका फोन है। राजू, मैं शिखा बोल रही हूँ, सुनो। दोस्तों, यारों और मित्रों, आप लोग ये तो जानते ही हैं कि हमारे सेठ जी कितने महान हैं, कितना बड़ा दिल रखते हैं, एक जंगली गैंडे की तरह। और आप लोगों को ये चाय पार्टी इन्होंने इसलिए दी है कि चाय के साथ वो चाय भी दे सकें, और आप लोगों को ये बता दें कि उनका और आपका रिश्ता मालिक और मजदूर का नहीं, बल्कि बैल बैल का, यानी दो बैलों की जोड़ी। आप लोगों के लीडर राजू दी ग्रेट बंदर सेना के लीडर हनुमान से भी ज्यादा ताकतवर हैं, और सेठ जी कल उनके साथ बैठकर समझौता कर लेंगे, और फिर आप लोगों की दोस्ती ऐसी हो जाएगी जैसे तोता मैना की। तालियां। और फिर हर काम बड़े मजे से होगा, गीत होंगे, कोयल कूकेगी और गधा आ गया हूँ, और इस खुशी के मौके पर मैं मजदूरों के नेता राजू को
अपने हाथों से सेठ जी की चाह के साथ चाय पेश करता हूँ, लीजिए। और मैं मजदूरों की चाय के साथ सेठ जी को चाय पेश करता हूं। ठहरिए सेठ जी। प्यारे भाइयों, इन दोनों प्यालों में से सबसे पहले एक एक घूंट मैं पीऊंगा। नहीं नहीं राजू भैया, ये नहीं हो सकता। सेठ जी के प्याले की चाय अगर सेठ जी नहीं पिएंगे तो मैं पी लूंगा, मगर मैं आपको नहीं पीने दूंगा, इसमें जहर है। तुमने इस कप में सेठ जी के लिए जहर मिलाया और सेठ जी ने इस कप में मेरे लिए जहर मिलाया। सेठ जी, अगर इस समस्या का हल मौत है। राजू भैया, आप बीच में हट जाइए। रुक जाओ, मैं कहता हूं रुक जाओ। तुम लोग ऐसा कुछ नहीं करोगे। ये मुझे मारना चाहते हैं और तुम इन्हें मारना चाहते हो, दोनों में फर्क क्या है? रख दो कुर्सियां। सेठ जी, मजदूर तो सदियों से मरता आया है, आज भी मरेगा। नहीं राजू, नहीं नहीं सेठ जी, इस कप की चाय में तब तक नहीं गिराऊंगा जब तक आप यह नहीं मानेंगे कि इसका जहर मेरे लिए था। नहीं राजू, इस चाय को अपने हाथ से फेंक दो, क्योंकि इसमें जो जहर है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक जहर मेरे मन में था जो तुमने साफ कर दिया। राजू, अगर तुम चाहो तो मैं हर मजदूर के पांव पकड़कर माफी मांगने को तैयार हूं। सेठ जी, हम मजदूर ना आपको तोड़ना चाहते हैं ना झुकाना चाहते हैं, हम तो अपना हक। राजू, आज से मजदूरों का हक क्या है और मेरा फर्ज क्या है, इन दोनों बातों का फैसला तुम ही करोगे। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू वेरी मच। ऐसे नहीं। राजू भैया की जय! 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 एक बात बताओ राजू, अगर वो लड़का शोर न मचाता तो क्या तुम दोनों जगह का जहर पी जाते? कुछ और मजबूर लोग चैन से जी सकें या कोई अंधा देखने लग जाए, इस कारण कभी मुझे अपनी जान देनी पड़ेगी तो दे ही दूंगा। जो जान किसी के लिए देने की सोचता है, क्या वो सिर्फ उसकी अपनी होती है? जीने वाला किसी की जान बनकर भी जीता है और किसी को जान बनाकर भी जीता है। तुम कैसे जीते हो? मेरी हालत उस बच्चे की तरह है जिसने पूनम के चांद को देख भी लिया है, पसंद भी कर लिया है और अब पाने की इच्छा भी कर बैठा है। जब तक उसे कोई ऐसा नहीं मिल जाए जो समझाए कि बच्चे, चांद को सराहा जा सकता है, चाहा नहीं जा सकता, पाया नहीं जा सकता, तब तक ये बच्चा ऐसे ही बेकरार रहेगा। भगवान करे इस बच्चे को ऐसे समझाने वाला कोई न मिले। क्यों? ताकि ये बच्चा हमेशा ऐसे ही बेकरार रहे, बेचैन रहे और अंत में ये विश्वास कर ले कि उसे ये चांद मिल सकता है, वो उसे पा सकता है। सच? दोस्त बन के आए हो, दोस्त बन के ही रहना, दोस्त बन के आए हो, दोस्त बन
के ही रहना अब बहुत ही मुश्किल है, बेवफा तुम्हें कहना दोस्त बन के आए हो। सोच रही हूं तुमसे कहूं क्या इतना तेज क्यों भाग रहे हो कुछ कहने सुनने के लिए रुकना पड़ता है रुके रहना पड़ता है जो बात कहने के लिए तुम्हें बहुत दिन सोचना पड़ा वो बहुत ही वजनदार बात होगी मैं जरा एक्सरसाइज कर लूं एक तेवो मजाक मत करो बात क्या बतंगड़ भी हो तो कह डालो मेरा जिगर बहुत बड़ा है
मुझसे कहा नहीं जा रहा है। मैं कहने में मदद करता हूं। किसी से प्यार हो गया है? पहले किसी और से प्यार था। अच्छा ये बताओ, ये बात आने वाले कल की है, आज की है या गुजरे हुए कल की है? गुजरे हुए कल की। त्रिशूल फिल्म देखी थी? नाजायज माँ बाप की औलाद हो। मेरी माँ वैश्य है। मेरे घर मेरी माँ और मेरे भाई से मिलने चलोगी? माँ, माँ ये है किरण। जीती रहो बेटी, बहुत प्यारी हो बेटी। मैंने तुम्हारे बारे में जैसा सोचा था बिल्कुल वैसी हो। देबू को तुम्हारे अलावा कोई बात ही नहीं सोचती, सारा वक्त तुम्हारी बात करता रहता है। तुम हॉस्टल में रहती हो ना? हाँ, और रहेगी कहाँ? इसके माता पिता भ्राता बसंतपुर में रहते हैं, इसलिए हॉस्टल में रहती है। तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? बसंतपुर में और करेंगे ही क्या, धंधा करते हैं जूतों का। मेरा मतलब जूतों का नहीं, कपड़ों की दुकान है इनकी। भैया आ गए। किरण भैया, भैया ये है किरण। अच्छा अच्छा ये है किरण। क्यों है ना एक जैसे, खा गए ना झटका? तुम लोग बैठो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। भैया आप काफी थके हुए लग रहे हैं, मुंह धोने नहीं जाएंगे क्या? अब कपड़े की दुकान कहाँ से आ गई? अरे भाई तुम्हारे पिताजी की कपड़े की दुकान नहीं है तो खुलवा देंगे। और अगर माँ ने मुझे पसंद नहीं किया तो? ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम नहीं जानती मेरी माँ को। वो हमारा सब कुछ संवारती है, कभी कुछ बिगाड़ती नहीं। समस्या तो होगी तुम्हारे जन्मदाता की, वो क्या कहेंगे? मेरे जन्मदाता को जो कहना होगा मैं सुन लूंगी, और जो समझाना होगा समझा दूंगी। मगर कब? आज ही। मेरी बेसब्री को इतनी अच्छी तरह समझने का शुक्रिया। डैडी। आओ बेटी आओ। डैडी आज तक मैंने आपसे जो मांगा आपने दिया, जो चाहा आपने किया, लेकिन आज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप कुछ ऐसा करने वाले हैं जो मेरी चाहत के खिलाफ हो? बेटी ये तुम्हारे समझने की कमजोरी है या मेरे सोचने की? शायद आपकी जिद। मैं अगर जिद करूंगा तो तुम्हारी भलाई के लिए ही करूंगा। अगर मैं जिद करूं कि मैं राजू से ही शादी करूंगी तो क्या आप अपनी जिद छोड़ देंगे? नहीं छोड़ूंगा, ऐसा भी नहीं कह सकता। आसानी से छोड़ दूंगा इसका भी वादा नहीं कर सकता। फैसले का वक्त आ गया तो? वक्त ही मदद करेगा फैसला करने में। तराजू तुम्हारे सामने होगा, हर चीज तुम्हारे सामने तुलेगी, तुम्हारी खुशी, तुम्हारा सुख, खानदान की इज्जत, मेरी रेपुटेशन और मेरा स्टेटस। ये तो सुनकर ही लग रहा है आपका पलड़ा भारी है। नहीं बेटी, ये दोनों पलड़े जिस डंडी से बंधे हुए हैं वो है बाप बेटी का रिश्ता, जो हर चीज से ज्यादा भारी होता है। थैंक यू डैडी। गॉड ब्लेस यू माय डियर चाइल्ड। गुड नाइट। गुड नाइट। क्यों नहीं जाओगे जब सरकार तुम्हें जाने के लिए स्कॉलरशिप दे रही है, जब कॉलेज के प्रिंसिपल तुम्हें जाने के लिए जोर दे रहे हैं, तब फिर विदेश पढ़ने के लिए क्यों नहीं जाओगे तुम? मैं इसलिए नहीं जाऊंगा कि 1.5 साल तक विदेश में रहकर पढ़ाई करने के लिए बहुत सारा रुपया चाहिए। जितना रुपया चाहिए मैं दूंगा तुम्हें। कहां से दोगे तुम? इससे तुम्हें क्या मतलब? मतलब है मुझे। माँ समझाओ ना इसे।
जब देखो मनमानी करता रहता है। बड़ा है, बात तो माननी पड़ेगी। तुम तो दोनों से बड़ी हो, तुम कुछ बोलो ना जो दोनों मान ले। बोलू? हाँ बोलो ना। तुम अपने भाई की बात मान लो। मान लो, मैं जानता हूँ तुम दोनों माँ बेटे मिले हुए हो। ये नहीं चाहता कि तुम्हारे प्यार में इसके साथ कोई और भी हिस्सेदार हो। डेढ़ साल तक कोई माँ पुकारने वाला नहीं होगा ना। हाँ जरा आने दो भाभी को भाई साहब। अरे सिर्फ भाभी की बात क्यों कर रहा है, किरण भी तो आएगी। क्या बात है देबू, किरण का नाम सुनकर तुम चिंता में क्यों पड़ गए? अरे ये सब नाटक है माँ, इसको चिंता डेढ़ साल तक तुमसे हमसे दूर रहने की नहीं है, किरण से दूर रहने की है। माँ किरण एक वेश्या की बेटी है। क्या? किरण एक वेश्या की बेटी है जिस गंध को धोने में उम्र बीत गई, वो अब बुढ़ापे में फिर दरवाजे तक आ गई है। सुधरने में सदियां लग गई, बिगड़ने में सिर्फ एक पल। एक बात बताओ देवू, किरण के मामले में मेरी बात मानोगे या अपनी मनमानी करोगे? तुम्हारा कहा अगर मन नहीं माना तो मन को मारकर मानूंगा। देबू के मन का साथ दोगे या मेरा? मां होगा वही जो तुम कहोगी, मगर कहना वही जो तुम चाहती हो। मैं चाहती हूं जहां मैं आकर मां बनी हूं वहां एक ऐसी मां की औलाद ना आए जिसका पेशा वही है जो मां बनने से पहले मेरा था। क्या ये स्वार्थ नहीं है? मां तुम वो नदी नहीं हो जो गंगा में मिलकर पवित्र हो जाती है, तुम गंगा हो मां। तुम में मिलकर बाकी सब नदियां पवित्र हो जाती हैं। किरण के सामने देवू की नजर झुक जाए ऐसा तुम नहीं चाह सकती मां, कभी नहीं चाह सकती। राजू तुम ठीक कह रहे हो। तुम यही डरो हाँ? देवू माँ कहाँ है? भैया माँ किचन। चिल्ला क्यों रहा है? माँ माँ मैं अपने साथ किसी को लाया हूँ, बोलो तो कौन है? अरे तो जिसे भी लाया है वो। जिसे भी लाया है मैं उसका होने वाला देवर हूँ। शिखा जीती रहो बेटी। जानती तो नहीं मैं मगर अंदाजा है कि तुम किसी बहुत बड़े खानदान से हो। हम गरीब हैं, छोटा सा घर है, बिठाने के लिए शायद कायदे की कोई कुर्सी भी नहीं मिलेगी, मगर निगाह है पिछियों की सबकी। आओ ठहरो, पहले मुझसे मिलो। मैं देबू हूँ भाई, तुम मेरी होने वाली अच्छी भाभी और मैं तुम्हारा होने वाला बहुत अच्छा देवर। मैंने कहा था ना बिल्कुल मेरी कार्बन कॉपी है। 5 मिनट मुझसे बड़ा है ना इसलिए अपने आप को ओरिजिनल कहता और मुझे कॉपी। घर छोटा है मगर भगवान और इंसान दोनों ही बसते हैं यहाँ। मेरा आशीर्वाद है तुम्हें, हमेशा सुखी रहो। माँ को तो बचपन में ही खो दिया लेकिन आज मिल गई और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज से मेरा भी आपकी ममता पर उतना ही हक है जितना राजू और देबू का। हक वहाँ जताना पड़ता है जिसके यहाँ बंटवारे में कोई झगड़ा हो। यहाँ जो कुछ भी है सब तुम्हारा है। तुम्हारी सूरत से लग रहा है बेटी तुम सच कह रही हो। आप नहीं जानती डैडी मेरे साथ आज क्या हुआ है। मैं एक ऐसी माँ से मिली हूँ जो किसी एक या दो की माँ नहीं सिर्फ माँ है, ममता से भरपूर, जो पाना चाहे पाले। मैं तो भूखी थी, प्यासी थी, माँ मिल गई मुझे जिसके लिए मैं बचपन से तरसती रही। सच कहा है किसी ने, बाप औलाद के लिए कुछ भी करे लेकिन माँ माँ ही होती है। ऐसी बात नहीं है डैडी, ये सच है।
आपने मुझे कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी, लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो होता है, पानी मिलने पर इंसान को लगता है कि वो सदियों से प्यासा था। पहचान लिया हो तो बात वैसे शुरू करूं जैसे दो जान पहचान वाले लोग बात करते हैं, या कुछ याद दिलाने के लिए कहूं? याद मुझे सब कुछ है सेठ जी,
कहिए, क्या कहना चाहते हैं? मैं उस इकलौती लड़की का बाप हूं जो राजू से प्यार करती है। आप बैठेंगे? नहीं नहीं, मैं राजू और देव की मां नहीं हूं। मैंने उन्हें सिर्फ पाला है, उन्हें जन्म देने का सौभाग्य मेरा नहीं है। तुम्हारी असलियत जानते हैं वो? जानते हैं सेठ जी, मैंने अपने बच्चों से अपना कुछ नहीं छिपाया। राजू क्या कहकर पुकारता है तुम्हें? मां कहता ही नहीं, समझता भी है। आप चिंता ना करें, आप चाहेंगे तो उसे एक रिश्ते के लिए जिसकी खातिर आप यहां आए हैं, मैं अपने तमाम रिश्तों को तोड़ दूंगी। अगर मेरा कल बच्चों के आने वाले कल को बिगाड़ने लगेगा तो मैं अपने आज को बिगाड़ लूंगी, मगर अपने बच्चों के कल को नहीं बिगड़ने दूंगी। मैं तुम्हारे घर गया था। मेरी मां से मिले आप? वहां जो औरत मुझे मिली वो जमुनाबाई वेश्या है। वहां जो औरत आपसे मिली वो मेरी मां है सेठ जी। डिक्शनरी में मां का मतलब होता है एक ऐसी औरत जो बच्चे को 9 महीने कोख में रखकर जन्म देती। जला दीजिए ऐसी डिक्शनरी को जिसमें सिर्फ यही मतलब है मां का। मां का मतलब जो मुझे किसी डिक्शनरी ने नहीं बल्कि जिंदगी ने सिखाया है, वो है एक ऐसी औरत जिसकी आंखों से बच्चा देखना सीखता है, जिसकी जबान से बच्चा बोलना सीखता है और जिसके पैरों से बच्चा चलना सीखता है। और आज आप जिस औरत से मिलकर आ रहे हैं वो वही औरत है जिससे मैंने ये सब कुछ सीखा है। राजू तुम अपने आप को जरा मेरी जगह पर रखकर सोचो। एक ऐसा बाप जो अपनी बेटी की खुशियों के लिए मजबूर है, एक ऐसा इंसान जो अपने खानदान की इज्जत और नाम के लिए मजबूर है। ये सब मजबूरियां सिर्फ इसलिए है सेठ जी कि आप हर चीज झूठी इज्जत के तराजू में तोलते हैं। मेरी तो कोई शर्त नहीं, मैंने आपकी बेटी से प्यार मांगा और आपसे आपकी बेटी। क्या कहूंगा मैं अपनी बेटी से कि जाओ बेटी, मैं तुम्हें एक ऐसे इंसान के हवाले करता हूं जो एक वेश्या को अपनी मां कहता है। ऐसा कुछ आपको मुझसे नहीं कहना पड़ेगा डैडी। ये सब कुछ मुझे राजू ने उसी दिन बता दिया था जिस दिन पहली बार मैंने इनका हाथ पकड़ा। तुम कैसे इंसान हो राजू? मेरी फैक्ट्री के मजदूरों ने तुम्हारा हाथ पकड़ा, तुमने मुझे फाइनेंशियली ब्लैकमेल किया, आज मेरी बेटी ने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया है तो तुम मुझे इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हो। प्यार की सच्चाई और हक की मांग को ब्लैकमेल का नाम मत दीजिए सेठ जी। मेरा इतना अपमान मत कीजिए कि मैं आपसे नफरत करने लग जाऊं। और कर भी क्या सकते हो तुम? बिना किसी त्याग के मेरा सब कुछ पाना चाहते हो? कितने स्वार्थी हो तुम। छोड़ दो उस घर को, छोड़ दो उस मां को जिसकी कोख से ना तुमने जन्म लिया है ना ही उसका दूध पिया है। यहां चले आओ, यहां सब कुछ तुम्हारा है। मुझे माफ कर देना शिखा, मैं अपनी मां के बारे में इंसान से तो क्या भगवान से भी कुछ नहीं सुनना चाहता। रुक जाओ राजू। डैडी आप मुझे खोकर राजू को पाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? मैं इसी वक्त राजू के साथ जा रही हूँ। तुम अपने पिता को छोड़कर एक ऐसी औरत की बहू बनने जा रही हो जो... बस कीजिए डैडी, इससे आगे और कुछ मत कहिएगा। मैं उनके बारे में और कुछ नहीं सुनना चाहती। चलो राजू। नहीं, तुम मेरे साथ नहीं चलोगी। तुम मेरे साथ उस दिन चलोगी जिस दिन इज्जत से तुम्हारी डोली इस घर से उठेगी। Thank you.
कुछ न आए नाम पे तेरे, आप भले ही जीवन हो। अपने जहां में आग लगा ले तेरा जहां जो रोशन हो, तेरे लिए दिल तोड़ ले हम, घर क्या जग भी छोड़ दे हम, बिन तेरे हम तेरे, बिन तेरे हम तेरे, ओ बिन तेरे बहुत परेशान हो। नहीं नहीं तो मां, शिखा के पिता ने बहुत कीचड़ उछाला ना। जिसे कीचड़ समझकर उछाल रहे थे वो तो गंगा जल था मां। तुम बाहर जा रही हो मां? हाँ, अब जाना ही पड़ेगा। दीपू से मुलाकात नहीं हो पाई, उसका ख्याल रखना, वो कमजोर है, वो तेरी तरह पक्का नहीं है। तुम्हारा इरादा क्या है, तुम कहां जा रही हो? आज मेरा गुजरा हुआ कल तुम लोगों के आने वाले कल में बाधाएं डालने लग गया है, इसलिए मेरा यहां से चला जाना ही अच्छा है। तुम्हारा जीवन संवारने के लिए बहुत दुख उठाए मैंने, मेरे कारण बिगड़ने लगे, ये दुख उठा नहीं पाऊंगी मैं। ये तुम्हें क्या हो गया मां? हमारी जिंदगी में अगर सर उठाने की कोई बात है, सीना तानकर कहने की कोई बात है, तो वो तुम्हारा गुजरा हुआ कल है। ग्रहण लगे हुए चांद को तुम अपने लिए पूजनीय बना सकते हो, मगर दुनिया, हमारी दुनिया तो तुम हो मां, तुम्हारे सिवा किसी और दुनिया को तो हम जानते ही नहीं। जब हमने ये उंगली पकड़ी थी तो इसकी नसें इतनी ढीली नहीं थी, ये इतनी कमजोर नहीं थी। उस वक्त अगर तुम इस उंगली को छुड़ा लेती तो एक नई दुनिया बना सकती थी, अपना संसार बसा सकती थी, मगर तुमने ऐसा नहीं किया। आज जब इस उंगली को हमारे हाथ की जरूरत है तो तुम इसे छुड़ा लेना चाहती हो। हमारी आंखों के आंसू जिंदगी भर पोंछती रही, अपनी आंखें नम हुई तो जा रही हो, सब कुछ दे दिया, आंसू पोंछने का हक नहीं देना चाहती। क्यों क्यों मां? राजू, तुम्हारी शादी राजू से नहीं होने दूंगा, इसलिए शायद तुम मुझे अपना दुश्मन समझ रही हो, मगर ऐसा नहीं है बेटी। मेरी दुश्मनी तुमसे नहीं है, तुम्हारी मर्जी से है, तुम्हारे इरादे से है। जिस इंसान की मर्जी और इरादे भी उसके नहीं होंगे वो जिएगा कैसे? कभी कभी इंसान दूसरे की मर्जी को तकदीर समझकर भी तो मान लेता है बेटी। कैसी बात कर रहे हैं डैडी, अपनी मर्जी को मेरी तकदीर बना के मुझसे मनवाना चाहते हैं? जो बात तुम्हारे भले से शुरू होती है और तुम्हारे भले पर खत्म होती है उसको मान लेने में ही तुम्हारा भला है। नहीं डैडी, जो बात मेरे प्यार को मिटा देने से शुरू होती है और मुझे मिटा देने पर खत्म होती है वो मैं कभी नहीं मानूंगी। शिखा, अगर मेरे खानदान की शान, नाम और इज्जत को एक तरफ खड़ा करके तुम दूसरी तरफ खड़ी हो जाओगी तो इस बात का फैसला तुम्हारे बाप का दिल नहीं दिमाग करेगा। अरे माँ, तेरी प्यारी माँ। बड़ी अजीब बात है, जब भी मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ती है तुम आ जाती हो। अरे जब बच्चा अपनी माँ को याद करे और माँ उसी वक्त हाजिर ना हो तो ममता को कौन समझेगा?
माँ, हमें पिताजी से कुछ नहीं चाहिए। उनका नाम मिल जाता। तुम फिक्र मत करो बेटा, मैं अभी उनके पास जाती हूँ। कोशिश करूंगी नाम भी मिल जाए और वही तुम्हारा दान करे। सच? सच बेटा, मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी, बाकी तुम्हारी किस्मत। ये तुम क्या कर रही हो तेलन? मैं कुछ नहीं कह रही हूं जी, जो कुछ भी कह रही है वो तुम्हारी किरण कह रही है। जब तुम उसे अपनी बेटी कहते हो तो उसे अपनी बेटी मान क्यों नहीं लेते? कहना मेरे और उसके बीच में है तेलन, मानने के लिए सारी दुनिया के सामने आना पड़ेगा। मान और नाम की क्या कीमत होती है तुम्हें नहीं मालूम तेलन, क्योंकि तुम्हें कभी मिला ही नहीं। और मैंने भी कभी मांगा नहीं, क्योंकि मैं कई मान और नाम वालों को बहुत अच्छी तरह से जानती हूं। पता नहीं किसके नसीब से इस अभागन को एक अच्छा लड़का मिल गया, एक अच्छा घर मिल गया। थोड़ी सी अच्छाई तुम भी दे दोगे तो उसकी जिंदगी सवर जाएगी। यही चाहती हो ना, कि उसे अपनी बेटी मानकर कन्यादान करूं उसका? अब है तो तुम्हारी ही बेटी, चाहे मानकर करो या बनाकर करो। मैंने सब कुछ सुन लिया डैडी। कल जिस छोटी शान के लिए आप अपनी इकलौती बेटी को त्यागने पर तुले हुए थे, आज उसी शान और मान को अपनी दूसरी बेटी के लिए छोड़ना पड़ रहा है। कहां जाएगा आपकी गर्दन का तनाव? आपके खानदान के नाम का क्या होगा? रोना अच्छा होता है डैडी, मन हल्का हो जाता है। बेटी मुझे माफ कर दो बेटी, मैं एक कमजोर इंसान था, इसलिए मैं सख्त बाप बनने की कोशिश करता रहा। डैडी मुझे माफ कर दो बेटी। जिंदगी है? लंदन जाओ, पढ़ाई करो, बड़े आदमी बनो। आखिर क्या गुनाह किया है मैंने जो मुझे सबसे अलग करके इतनी दूर प्रदेश भेज रहे हो? वो शर्ट देना जरा। नहीं चाहिए मुझे ये शर्ट, मैं शर्ट के बिना रह लूंगा, लेकिन मैं पान की दुकान खोल लूंगा, लेकिन मैं अगर मुझसे कुछ नहीं हुआ ना तो मैं खुदकुशी कर लूंगा, अंग्रेजी में सुसाइड कर लूंगा। चाप कुछ ज्यादा ही बकबक कर रहा है। हाँ देबू जी, खुदकुशी बाद में कीजिएगा, पहले आपसे कोई मिलने आया है उनसे मिले। आप मेरी हैरान परेशान हालत नहीं देख रही भाभी, मैं किसी से नहीं मिलना चाहता और ना ही कोई आदमी मुझसे मिल सकता है। आदमी नहीं लड़की है। लड़की? हेलो किरण जी। हाँ
और वो लड़की है हमारी होने वाली बहू। हसलो हसलो, अपनी तो शादी करवा ली और मेरी कर दी सिर्फ सगाई। एक टीका लगा दिया, लोगों ने खाई मिठाई और बजाई ताली और चले गए अपने अपने घर और हमसे कहते हैं जाओ लंदन। सारी सारी रात तुम्हारा चेहरा आंखों के सामने घूमता रहता है और नींद का कहीं पता नहीं होता किरण। लेकिन वो साला मार्था आंटी का जो कुत्ता है ना, मार्था आंटी जिनके यहाँ मैं रहता हूँ, वो इतना भौंकता है कि नींद तो ऐसे भी नहीं आती और वैसे भी नहीं आती। लेकिन किरण तुम्हें नींद आती है क्या? नहीं आती ना। अरे नहीं आती तो मैं जल्दी से आ जाता हूँ। हेलो हेलो माँ जी, मैं किरण बोल रही हूँ। हाँ बोलो बेटी। माँ जी आज मेरा जन्मदिन। अरे वाह मुबारक हो। मैं चाहती हूँ आज का दिन आप लोगों के साथ बिताऊं। हाँ हाँ जरूर बेटी, जब जी चाहे चली आओ। मैं जल्दी आती हूँ। अच्छा राजू बेटा। जी। अभी अभी किरण का फोन आया था, आज उसका जन्मदिन है। अच्छा आज की शाम वो हमारे साथ बिताना चाहती है। बिताना नहीं मनाना कहो, जन्मदिन बिताया नहीं मनाया जाता है। राजू उसे तोहफा क्या देंगे? तुम चिंता मत करो माँ, मैं और शिका सब संभाल लेंगे। आज किरण के जन्मदिन है। प्रेजेंट क्या देना चाहिए? प्रेजेंट प्रेजेंट किरण के लिए सबसे अच्छा प्रेजेंट तुम। हाँ तुम देवी बन जाओ। मैं हाँ ओफो तुम समझते क्यों नहीं माँ, जरा सोचो तो। ये झूठ किरण को कितनी खुशी देगा, थोड़ी देर के लिए वो दुनिया जान को भूल जाएगी। और हाँ अगर देबू यहाँ होता तो तुम्हें अच्छी तरह समझाता कि जो जहर इंसान की जान ले लेता है दवाइयों में मिलकर जिंदगी देता भी है। और फिर हम दोनों तुम्हारे तो हैं माँ, आज राजू देबू बन रहा है, कभी जरूरत पड़े तो देबू को राजू बना देना। हाँ पगला। हेलो किरण। हेलो हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक्स अ लॉट। मैं तो पिछले दो घंटे से तुम्हारे नसीब पे जल रही हूँ। क्यों भाई? तुम्हें देबू का तार नहीं मिला? मिला, मुबारकबाद का। नहीं उसके यहाँ आने का। क्या आने का तार? मैं कितने देर से इंतजार कर रही थी किरण, जन्मदिन मुबारक हो। थैंक यू। तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा ना, माँ से पूछो। माँ देबू आ रहा है ना? हाँ आओ ना। How sweet. बहुत खूबसूरत सजाया है। कैसे ना सजाती, एक तो तुम्हारा जन्मदिन, ऊपर से देबू आ रहा है खास इस मौके के लिए, है ना माँ? मैं अभी आई। बैठो ना, राजू सुबह से वहाँ बैठा हुआ है एयरपोर्ट पर, बस अभी आता ही होगा। ओ माँ मेरी प्यारी प्यारी माँ मेरी अच्छी माँ। क्या कर रहा है? छोड़ राजू। सफर? अरे माँ सफर, माँ आजकल की सफर की क्या बात है, जंबो 747 में बैठो और सीधे बॉम्बे। ओ किरण कितनी अच्छी लग रही हो तुम इतने दिनों के बाद। ओ भाभी कितनी बड़ी हो गई हो तुम। एनी गुड न्यूज? नहीं बहुत जल्दी हो जाएगी। मैं भी आती हूँ। हाँ बैठते हैं। अच्छा किरण ये बता तुम्हें मेरी याद आई कि नहीं? नहीं आई। ओ, हाँ तो बैक होम है ना वो राजू। ओ राजू को तो तुम जानती हो, काम का कीड़ा है, रास्ते में टैक्सी रोकी उतर गया, कहा बहुत जरूरी काम याद आ गया, एक घंटे के बाद आएगा। अच्छा वो तुम्हारी मार्था आंटी और उनका कुत्ता कैसे? मार्था आंटी? मार्था आंटी अरे वो ही जिनके लंदन में तुम एज अ पेइंग गेस्ट रहते हो। ओ, 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 मार्था आंटी कहो ना, उनका कुत्ता रात भर भौंकता रहता है, मार्था आंटी सोती रहती है। लेकिन तुमने तो लिखा था उनको नींद नहीं आने की बीमारी है। हाँ मार्था आंटी को नींद नहीं आने की बीमारी है, लेकिन वो मैं डॉक्टर हूँ ना, मैंने उनका इलाज कर दिया, आप बिल्कुल ठीक हो गए, बिल्कुल सोई रहती हैं। और मैं उनके एक्सक्यूज मी हेलो कौन? ओ हाँ 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 एक मिनट भाभी आपका फोन राजू का। हाँ तो मैं कह रहा था बैक होम व्हेन आई वाज इन लंदन तो बहुत याद आती थी मुझे। अरे हेलो नेल पॉलिश लगाना शुरू कर, यू नो बैक होम इन लंदन आजकल नेल पॉलिश लगाते ही नहीं। क्या बोलूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। बट डिड यू मिस मी और नॉट? लेकिन तुमने मुझे तार के 3 घंटे लगेंगे मिस मी और नॉट?
15 मिनट में कैसे आएगा? नहीं 15 मिनट। मैं जरा मुंह धो के आता हूँ 15 मिनट में। राजू कहाँ गया? माँ राजू तो अभी तक आया ही नहीं। मेरा मतलब है देबू कहाँ गया? मुंह धोने गए माँ। महारानी कितना हुक्म देती हो, 15 मिनट में चले आओ, काम धंधा नहीं है क्या? हेलो राजू भैया। ओ हेलो किरण, जन्मदिन मुबारक हो। थैंक यू। आई एम सॉरी, देवू अभी तक नहीं आया? आ गए हैं, ऊपर मुंह हाथ धो रहे हैं 15 मिनट के लिए। मैं बुला देती हूँ देवू। रहने दो उसे आराम से मुंह हाथ धो लेने दो। मैं वो थोड़ा सा काम बाकी है, मैं कुछ देर में आया। अब हम राजू का इंतजार नहीं करेंगे, चलो चल। माय ब्रदर राजू, राजू अरे कहाँ चला गया ये? कमाल है राजू भी, गोली की तरह आता है और हवाई जहाज की तरह चला जाता है। चलो कोई बात नहीं, हम उसके बिना ही केक काट लेंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू किरण, हैप्पी बर्थडे डियर किरण, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर किरण, हैप्पी बर्थडे टू यू। भाई कुछ मजा वजा नहीं आ रहा है, कुछ इंग्लिश म्यूजिक हो जाए, लाइक बैक होम। चलो शिखा। इस तरह नहीं चलेगा। बात यह हुई थी कि तुम देबू बनकर सिर्फ हंसोगे, हंसाओगे और कुछ नहीं करोगे। झूठ को जब सच साबित करना पड़ता है तो हिचकिचाहट से काम नहीं चलता। अब तुम्हें ले लो, तुम्हें गुस्सा नहीं आया, लेकिन तुम ये साबित करना चाहती हो कि तुम्हें बहुत गुस्सा आया है। रोने में हिचकिचाहट आ गई, पकड़ गई। इस घायल के लिए हर हसीना बुत है, एक को छोड़कर जो इस घायल की जान है। बात भी मीठी, बोलने में भी मिठास, मैं क्या करूं? अपने होठों को मेरे होठों के पास ले आओ, बोलना बंद हो जाएगा। सुनने का शौक जो है। संगीत जब दिल में बजने लगे तो आंखें बंद करके सुनना चाहिए। अरे वाह, सच? छोड़ो ना, दरवाजा खुला है, माँ आ जाएगी। आने दो माँ को, माँ को भी तो खुशखबरी सुनानी है। तुम सुना दो जाके। माँ के सामने तो मेरी जबान ही नहीं खुलती। क्यों? ऐसे करो, तुम्हें बता दूँ ना। मैं क्या कहूँगा माँ से? मैं पापा बनने वाला हूँ या फिर
माँ तुम दादी बनने वाली हो। क्यों ये नहीं कह सकते हम दो से तीन होने वाले हैं? चार भी तो हो सकते हैं। बेशर्म। अरे इसमें बेशर्म की क्या बात है, जुड़वा भी तो हो सकते हैं ना, जैसे कि हम और हाँ जी हाँ ये मैं ये शिखा है ना माँ। हाँ हाँ क्या हुआ शिखा को? मैं ये शिखा है, कह रही थी कि ये माँ बनने वाली है ना। माँ बनने वाली है, तुम्हें कैसे मालूम? मुझे सब कुछ मालूम पड़ जाता है, मैं कोई बुद्धू नहीं हूँ। ये ले 100 रुपये, फैक्ट्री में मिठाई बांट देना। मैं पाप बनने वाला हूँ। क्या बात है, क्या हुआ शिखा? राजू राजू अरे बहुत ही डरावना सपना देखा, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे ये सब तुम्हारी दिल की बीमारी की वजह से है। आज सुबह तो देवू आ ही रहे ना, मैं तुम्हें तुम्हारे इस दिल के साथ डॉक्टर देवू के हवाले कर दूंगा और कहूंगा अब संभालो इसे। अब घबराओ मत, सो जाओ। आज मेरा बेटा दीपू डॉक्टर बनकर आ रहा है, तुम्हारे चांद और सूरज को कहां तक ले आई हूं देखो। अब मेरी क्या जरूरत है, जब तक नहीं बुला लोगे पूजा पाठ में समय बिता लूंगी। बड़ी अजीब दुर्घटना हो गई है, टैक्सी ड्राइवर को तो कुछ नहीं हुआ और दो को मामूली सी चोटें आई है, पर एक की मृत्यु हो गई है। एक नहीं रहा और एक अभी तक बेहोश है, इसलिए पहचानना मुश्किल हो गया है, देवू या राजू। जमुना जी ये आप ही बता सकेंगी। ये देबू है या राजू? ये देबू है। किरण कैसी हो बेटी? अच्छी हूँ माँ जी, बाकी सब कैसे हैं? बाकी तो नहीं, एक ही है बेटी। क्या? हाँ, डॉक्टर ने बहुत कोशिश की मगर उसने ऑपरेशन टेबल पर ही दम तोड़ दिया। कौन है और कौन नहीं? बाकी उसे तो मैंने झूठ बोला है मगर तुमसे नहीं बोलूंगी,
देबू है। क्या झूठ बोला आपने किरण, तुम तो जानती हो शिखा की हालत, उसकी खातिर मैंने सबसे कहा है राजू है। इतना बता दीजिए, क्या मुझे भी यही कहना होगा जो आपने कहा? हाँ बेटी, तुम्हें कसम खानी होगी कि तुम इस बात को राज रखोगी। शिखा को बचाने के लिए तो आपने देबू को मार दिया, अगर मैं आत्महत्या कर लूं तो मुझे बचाने के लिए किसे मारेंगी आप? नहीं किरण, ऐसा मत कहो बेटी। अगर तुमने साथ ना दिया तो फिर मेरे लिए भी आत्महत्या के सिवा और कोई चारा नहीं होगा। ठीक है, मैं कसम खाती हूं आप जो चाहेंगी मैं वही करूंगी। हेलो हेलो बेटी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं? और तुम? डैडी सब कैसे हैं? डैडी सब ठीक है बेटी, तुम अपने कमरे में जाओ। राजू कैसा है? डैडी राजू ठीक है। और देबू? किरण? किरण भी ठीक है। और देबू? बोली ना डैडी, देबू कैसा है? देबू अब नहीं रहा बेटी। तुम समझ भी रही हो माँ कि तुम क्या कह रही हो? हाँ, शिखा दिल की मरीज है, वो माँ बनने वाली है। राजू की मौत का सदमा उसे मार डालेगा, इसलिए मैंने सबसे यही कहा है कि राजू है देबू नहीं। माँ माँ, अगर तुम दिन को रात कहोगी तो सूरज भी कहीं छुप जाएगा। जो तुमने कह दिया है होगा तो वही माँ, मगर झूठ, चाहे वो किसी को जिंदगी देने वाला झूठ क्यों ना हो, होता तो झूठ ही है ना माँ। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं है बेटे। राजू शिखा से अक्सर कहा करता था मेरे भाई को डॉक्टर बनकर आने दो, तुम्हें तुम्हारे इस बीमार दिल के साथ देबू के हवाले कर दूंगा। और ये सब हुआ भी तो माँ जी, अब शिखा मैं किरण से मिलकर आती हूँ। तुम्हें जिसके हवाले करना था उसे नसीब ने मौत के हवाले कर दिया। अरे यहां क्यों लेटे हो? लो दूध पी लो। अब हाथ का दर्द कैसा है? बुखार तो नहीं रहा ना? बेचारी किरण पर बड़ा तरस आता है, बहुत खोई खोई सी रहने लगी है आजकल, पता नहीं उसका क्या होगा। मुझे तो लगता है उसे कुछ दिनों के लिए किसी हिल स्टेशन चले जाना चाहिए ताकि उसका दिल लगा रहे। अगर देबू की जगह मुझे कुछ हो जाता तो? मेरी जान जिस जान में है वो भी मेरी ही जान है। वैसे तो मालिक दोनों के तुम ही हो, इन दोनों में से किसी को कुछ होगा ये सोचने से पहले इस तीसरी जान के बारे में भी सोच लिया करो। क्या हुआ? मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। बहुत सिगरेट पी होगी ना इसलिए सर में दर्द हो रहा है। अरे कितनी देर से तो तुमने सिगरेट पी नहीं, तुम्हारा पैकेट कहाँ है? वो शायद हॉल में होगा। ताज्जुब है, तुम और तुम्हारा पैकेट तुम्हारे साथ नहीं, मैं अभी लेकर आती हूँ। नहीं, मैं लेकर आता हूँ।
माँ, माँ ये क्या कर दिया तुमने? क्यों, क्या हुआ? मेरी बड़ी भाभी है शिका, और भाभी माँ के बराबर होती है ना। मैं समझती हूँ बेटा, मगर शिखा को जिंदा रखने के लिए। आखिर कब तक माँ? एक न एक दिन तो उसे पता चल ही जाएगा। जब तक पता नहीं चलता तब तक वो चलती रहेगी। जो कुछ तुम कर रहे हो उसे सिर्फ शिखा ही नहीं, राजू का बच्चा भी बचेगा। खोए खोए से क्यों रहते हो? मैं पूछ रही हूँ आजकल इतने खोए खोए से क्यों रहते हो? वो देखो ना, अभी तक इस हाथ से सिगरेट पकड़ा नहीं जाता। तो इस हाथ से पकड़ लो। ये क्या हो गया है तुम्हें? कभी सर दर्द, कभी खांसी, किसी अच्छी डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते? कुछ भी तो नहीं है, मामूली सी खांसी है। अच्छा तुम चाय पियो, मैं नहा कर आती हूँ। मैं इस घर में तुम्हारी जगह जरूर लेना चाहता था, लेकिन इस तरह नहीं। जब किसी अपने को मौत छीन लेते हैं ना, तो बेटा उसको भूल ही जाने में हमारी भलाई है। देखो तुमको तुम्हारे नसीब ने धोखा दे दिया है, इसमें इंसान कर ही क्या सकता है? नहीं, मुझे नसीब ने नहीं, इंसान ने धोखा दिया है माँ, इंसान ने धोखा दिया है। बेटा, किरण, किरण बेटा, किरण, जो मरा नहीं उसे मार दिया गया है, और जो मर गया उसे जिंदा रखने की कोशिश की जा रही है माँ। क्या मतलब क्या है बेटा? मैंने कसम खाई थी कि ये राज मैं कभी किसी से नहीं बताऊंगी, लेकिन जब मेरी दुनिया में आग लग रही हो तो मुझसे चुप नहीं रहा जाता, नहीं रहा जाता। किरण, तुमको मेरी कसम है, तुमको अपनी माँ की कसम है, सच सच बता, क्या बात है? देबू, देबू जिंदा है माँ, देबू जिंदा है। क्या? तुम जिंदगी का सफर सीधा तो नहीं है जमुना, उसमें कई मोड़ आते हैं, उनमें से ये भी एक मोड़ है। सामना हो सकता है, संबंध नहीं। जमुना, मैं तेलन बाई नहीं, किरण की मां बोल रही हूं देवू के बारे में। देवू नहीं है, अब सिर्फ राजू है। बार बार बोलने से ये झूठ सच नहीं बन सकता जमुना। क्या मतलब? मतलब ये एक शक्ल होने पर भी दो इंसान दो ही होते हैं, और नाम बदलने से एक कमजोर और बीमार लड़की को अंधेरे में रखा जा सकता है, सारी दुनिया को नहीं। तुम क्या चाहती हो? देवू को किरण से अलग करने का सही कारण क्या है? हालात, डर, अगर शिखा को पता चले कि राजू मर गया है तो वह यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, मर जाएगी। इस एक झूठ के लिए और कितने झूठ बोलोगी तुम? जितने बोलने पड़े। किरण की आहें, देवू की घुटन, मेरी बददुआएं, शिका जिएगी कैसे? जमुना, ये सच नहीं है जो तुम मुझे, दुनिया वालों को
और अपने आप को समझाने की कोशिश कर रही हो। सच दरअसल ये है कि तुम कोठे पर से आई हुई एक तवायफ हो, जिसको आज इज्जत की छत के नीचे जगह मिली है। इसलिए तुम नहीं चाहते हो कि दूसरी तवायफ की बेटी तुम्हारी बहू बने। इसलिए तुम किरण से कुर्बानी की भीख मांग रही हो। देवू को ममता का वास्ता दिया है और शिखा को जिंदगी के बहाने फरेब दे रही हो। निकल जाओ यहाँ से। सच किस कदर तीखा होता है, मेरे मुंह से सुनते ही फड़क उठी। मेरा इल्जाम यह है कि तुमने मेरी बेटी की जिंदगी को बर्बाद किया है। मेरी बेटी किरण का इल्जाम यह होगा कि जिस हाथ को वो पकड़कर जिंदगी भर चलना चाहती थी, तुमने उस हाथ को छीन लिया। और देवू का इल्जाम यह होगा कि तुमने उसकी खुशियों में आग लगा दी। और शिका का क्या इल्जाम होगा, जमुना जरा सोचो, अगर इस झूठ के मरने तक वो जी सकी तो क्या होगा? क्या होगा? पछताने का वक्त नहीं मिलेगा तुम्हें। जिस पवित्रता को तुमने छल और कपट से बेहिसाब गंदा कर दिया, उसका हिसाब मांगेगी वो तुमसे। दो दिलों को निचोड़ कर जो चंद कतरे उसकी जिंदगी के लिए दिए हैं तुमने, वही उसकी मौत का कारण बन जाएंगे। उसके बाद तुम न जी सकोगी न मर सकोगी, न कुछ पूछ सकोगी न कुछ बता सकोगी, झूठ सुन नहीं सकोगी, सच कह नहीं सकोगी। जमुना, किसी को जन्म दिए बगैर मां बनकर जिंदगी बांट नहीं सकती हो। किरण को मैंने जन्म दिया है, मैं उसकी माँ। आज लाख कसम खाने के बावजूद वो मुझसे सच नहीं छुपा सके। और अब मैं क्या करोगी तुम? मेरी बेटी की खुशी में आग लगी हो, चुप तो रहूंगी नहीं मैं। और उस आग को बुझाने के लिए जिसके हाथ से मैं पानी छीनूंगी, वो कितना प्यासा था ये मैं सोचूंगी भी नहीं। ऑपरेशन के बिना कोई चारा नहीं। शहर के दोनों बड़े डॉक्टर बाहर गए हुए। आज अगर आपका भाई डॉक्टर देवू होता तो जरूर कुछ कर सकता। शिखर दिल की मरीज है, राजू की मौत का सदमा उसे मार डालेगा। डॉक्टर देवू होता तो जरूर कुछ कर सकता। डॉक्टर देवू होता तो जरूर कुछ कर सकता। देवू, मुझे सब मालूम है। माँ जी ने मुझे पहले ही बता दिया था। अब क्या करोगे? जो कुछ तुम कर रहे हो उसे सिर्फ शिखा ही नहीं, राजू का बच्चा भी बचेगा। ऐसी मुसीबत के वक्त अपनी भाभी को भूल जाओगे? मुझे आपसे शिकायत है माँ जी, आपने अपनी बहू को इतना कमजोर क्यों समझा?
अगर आप बिना जन्म दिए ऐसे इंसान के बच्चों को लेकर जी सकती हैं जिसने आपके साथ फेरे नहीं लिए, तो क्या मैं उस इंसान के बच्चे को लेकर नहीं जी सकती जो मेरा पति था, मेरे बच्चे का बाप था? शक्ति तो ममता में होती है ना मां, आपने मेरी ममता को अपनी ममता से कमजोर क्यों समझा? चलो मां, ऑपरेशन का टाइम हो गया है। नहीं, अब इसकी कोई जरूरत नहीं। सजी नहीं बारात तो क्या, आई न मिलन की रात तो क्या, ब्याह किया तेरी यादों से, गठबंधन तेरे